सरकार की कोशिश है कि जो योजनाएं हैं, जो तमाम सारी केंद्र की, मध्य प्रदेश सरकार की, वो हितग्राहियों तक पहुंचे, जो इसके पात्र हैं उन लोगों तक पहुंचे। इसीलिए 17 सितंबर से जनसेवा अभियान शिविरों का आयोजन शुरू किया गया है। मकसद यही है कि योजनाएं हितग्राहियों तक पहुंचाना, उनके लिए दफ्तरों के चक्कर इन हितग्राहियों को न काटना पड़े। मुख्यमंत्री खुद इन शिविरों में अधिकारियों को हिदायतें और नसीहतें दे रहे हैं। जनता से जुड़ाव की जो सरकार की कोशिशें हैं, उसको बीजेपी के ही एक विधायक ने आईना दिखा दिया है। ये विधायक है छतरपुर के चंदला विधानसभा के, और किस तरह से विधायक ने अपनी ही सरकार को और सिस्टम को आईना दिखाया है, देखिए ये रिपोर्ट। ये पीएम जन सेवा अभियान है, मैं इनका सभा नहीं। हमने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री की योजनाएं, भाजपा की सरकार की योजनाएं दिल्ली की और भोपाल की, उसके लाभ से कोई हितग्राही वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी तक जो पात्र हितग्राही होते थे उनको जाना पड़ता था सरकारी दफ्तरों में, लेकिन अब हम ये शिविर लगा रहे हैं। शिविर हर पंचायत में लगाए जाएंगे और अगर योजना से वंचित कोई लाभार्थी है तो उसके गांव में ही आवेदन लेके वहीं उस योजना का फायदा दिया जाएगा। भटकने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम ने जनसेवा अभियान शिविरों का मकसद तो बता दिया। सीएम खुद इन शिविरों में जाकर अधिकारियों की क्लास भी ले रहे हैं, क्योंकि बेहद मामूली कामों की शिकायत मुख्यमंत्री को मिल रही है। छिंदवाड़ा के रामा कोना पंचायत में लगाए गए शिविर में ऐसा नजर भी आया। ये क्यों छूट गया भैया? अरे पोती नामांतरण भी कौन की जवाबदारी? ये गलत बात है। इसका मतलब पटवारी पोती नामांतरण नहीं करा रहे, इसके कारण ये दिक्कत हो रही। यानी जनता के मामूली से मामूली काम भी सिस्टम में नहीं हो रहे। दावा योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का हो रहा है। दूसरी तरफ छतरपुर जिले के चंदला विधायक राजेश प्रजापति ने तो सरकारी सिस्टम की पूरी पोल ही खोल दी। छतरपुर के लवकुश नगर में लोक सेवा केंद्र में जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। राजेश प्रजापति को जब ये शिकायत मिली तो विधायक भेष बदल कर लोक सेवा केंद्र जा पहुंचे। विधायक को आधे घंटे तक काउंटर पर खड़ा रहना पड़ा और इसके बाद तो विधायक का पारा सातवें आसमान पर था। सीधे कलेक्टर को फोन लगाया और कहा कि जनता को किस तरह की सेवाएं दी जा रही। यहाँ पे आया था लोक सेवा केंद्र में, यहाँ तो बहुत ज्यादा परेशानी है। लोक सेवा केंद्र में आपके यहाँ यहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता। अरे मैं खुद आया यहाँ पे। अरे है तो दिख रही है, लोग बुलाया करते हैं यहाँ पे। लोगों को जन प्रमाण पत्र बनना है, जाके पटवारी की रिपोर्ट लगवा के लाओ, ये करवाओ वो करवाओ, जब यही करवाना है तो काहे के लिए लोक सेवा केंद्र? भाई लोक सेवा केंद्र किस लिए खोला गया? इसलिए कि आदमी दर दर भटके ना, इसीलिए वो कह रहे नामांतरण और बंटवारा और ये सब के हम देते ही नहीं। फारम तो लोकसभा कह रहे हैं 20 दिन से हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा है। 20 दिन से हम 2 महीने से एक भी नामांतरण नहीं हुए हैं हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड। इसके बाद भी विधायक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बोले कि जनता को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, अधिकारी निकम्मे हैं। मैं अभी आधा घंटे तक खड़ा रहा, साइट नहीं चल रही है, 2 महीने भी नामांतरण नहीं लिए गए यहाँ पे लोक सेवा केंद्र में। ये तो बहुत ही बेकार दशा है, इसलिए तो मुझे आना पड़ा। क्या है कि वो किसानों को तो और ट्रीटमेंट वैसा करते, मैं तो शर्ट पैंट पहना था तो थोड़ा सा मुझे वो किया, लेकिन और जो किसान आते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं उनके साथ में बर्ताव तो और बुरा होता होगा जिस तरह से यहाँ पे चल रहा। सरकार ने कुछ सुविधाएं लोक सेवा गारंटी के तहत तय की है और लोक सेवा केंद्रों में यही सुविधाएं जनता को मिलती है। यानी ये काम जनता को तय समय में पूरा करके देना है, लेकिन तय गारंटी के काम ही नहीं हो रहे हैं तो समझ सकते हैं कि सरकार को शिविर लगाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। क्योंकि योजनाएं भी लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है और अगला साल चुनावी साल है।
और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार जनसेवा अभियान के तहत शिविरों का आयोजन कर रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि यह सरकार का चुनावी अभियान है। दूसरा, शिविर के बाद भी जनता के कोई काम नहीं होंगे, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि शिविरों के बाद जो सरकारी सिस्टम है वो ठीक ठाक काम करने लगेगा, सुधरेगा। ये सवाल हमारे तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।